हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू लेकर के आए हैं लोटस हर्बल्स के डिवाइन ड्यू हर्बल सिंदूर का। तो ये सिंदूर का हम रिव्यू करें उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के अंदर आते हैं। अब हम इसकी MRP की बात करते हैं। इसका MRP 135 रुपये है, बट आफ्टर डिस्काउंट मैंने इसको 114 रुपये में ख़रीदा था। तो दोनों पैकेट्स हमने इसमें से निकाल लिए हैं। और ये इसका जो डार्कर शेड है, इसका नाम है रोजी ब्लश, और इसका लाइटर शेड का नाम लव ड्रॉप है। हम ऐसे सिंदूर देखते हैं मार्केट में, कई सस्ते सिंदूर मिलते हैं, तो उन सब में जो है जो चीज़ होती है लेड और मर्करी, ये हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ध्यान में रखी गई है। जैसा कि प्रोडक्ट का नाम है लोटस हर्बल्स डिवाइन ड्यू हर्बल सिंदूर, तो इसको हर्बल तरीके से जो इसको जो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं उनके साथ में इसको बनाया गया है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि इसमें कलर को एनहांस करने के लिए और कोई केमिकल का यूज़ इसमें नहीं किया गया है। ये जो प्रोडक्ट है इस पर लिखा हुआ है कि जो रोजी ब्लश शेड है इसका नंबर है 20, और ये 100% वेजिटेरियन तरीके से बनाया गया है। अभी हम इसको लगा करके देखेंगे। तो मैंने इसके लिए एक मिरर लिया है। रोजी ब्लश शेड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है और ये थोड़ा सा डार्कर शेड है, तो ये न्यूली वेडेड जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं। आपको दोनों ही जो सिंदूर के कलर हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप चेंज करके इसको लगा सकती हैं। और अब हम इसका जो वाटर रेजिस्टेंट क्वालिटी है वो चेक कर लेते हैं। तो वो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसको अप्लाई करना होगा। तो मैं अपने हाथ पर यहाँ पर इसको अप्लाई कर रही हूँ, तो आप दोनों शेड का जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। ये इसका जो ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि ये 24/7 आप इसको जब लगाते हैं तो बिल्कुल इसको कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब ये जो सिंदूर है यहाँ पर लगभग सूख चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये सच में वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं। तो इसके लिए मैं इस पर यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स पानी की डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी के ड्रॉप्स डाले हैं और आप ये देख सकते हैं पानी की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी वो उसके साथ में बह करके नहीं निकला है। मुझे तो ये सिंदूर अप्लाई करने में और उसके बाद में बहुत ही ब्यूटीफुल ये मुझे लगा, बहुत ही सुंदर फिनिश इसके साथ में आती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।